शुरू हो गया। वेद माता गायत्री माता की जय हो। गो गंगा और गायत्री, जिसका महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत महान और बहुत विराट है। आज 31 दिसंबर है और कल है 1 जनवरी। 1 जनवरी जो केवल मात्र कैलेंडर बदलता है और ग्रेगोरियस कैलेंडर के अनुसार हम उसको नया साल मानते हैं। कल बहुत से ऐसे मूर्ख लोग होंगे जो नए साल की शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, जो ऋग्वैदिक काल से चली आ रही है, हम हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं। इसी दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन प्रकृति में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। भगवान राम का राज्याभिषेक उसी दिन को हुआ, सम्राट युधिष्ठिर का राज्याभिषेक उसी दिन हुआ, और न जाने ऐसे बहुत से सौभाग्यशाली अवसर उसी दिन को आते हैं, इसीलिए हम उसको भारतीय संस्कृति में नववर्ष मनाते हैं। लेकिन ये एक सोजिश समझी साजिश थी अंग्रेजों द्वारा, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के नववर्ष को एक मूर्ख दिवस के रूप में मनाने का प्रचलन शुरू किया। आप सभी को पता होगा कि 1 अप्रैल के आसपास, 1 अप्रैल को हम अप्रैल फूल मनाते हैं। उसको मनाने के पीछे हमने कभी ये नहीं सोचा कि उसको क्यों मनाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। ये कारण अंग्रेजों की सोची समझी साजिशों के तहत थे। उन्होंने भारतीय लोगों का नववर्ष जो अप्रैल में आता है उसको उन्होंने मूर्ख दिवस घोषित कर दिया, और जिस दिन प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल काली अमावस्या की रात होती है, उस दिन, उस 1 जनवरी को हम नववर्ष मनाते हैं। कौन सा वर्ष हमको मनाना चाहिए, ये आपके विवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, चाहे वो आप चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाएं या 1 जनवरी को मनाएं। धन्यवाद।